मैं यही कहती हूँ कि इतने सालों की मेहनत का रंग, मतलब मेहनत रंग लाई है मेरी ये, और ये साईं जी और श्रावणी जी की वजह से, और विदिता ने मेरी एक्टिंग की है, जवानी का रोल किया है, तो इन सब की मैं आभारी हूँ। और Z5 का भी मैं शुक्रगुजार कर, मतलब Z5 की भी शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने ये स्टोरी पसंद की। तो मुझे ज़िंदगी में समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिली, सिर्फ मैं सोचती थी वो आज मेरी पूरी हो गई है जी। मैं छोटी थी ना तब से मुझे, मतलब 14 साल नहीं, एकदम छोटी थी जब की बात है, तब से मैं बचपन से ही मोहल्ले में जरा दादा टाइप थी, लड़का टाइप थी, टॉम बॉय बोलते हैं ना वो थी। और वहाँ पर एक कसाई की लड़की थी, वो अपने आप को कसाई की, अरे हम लोग तो काट डालते हैं, और मैं बोलती थी मैं तेरे को काट, हालांकि वो दुबली पतली थी, उसमें ताकत नहीं थी कुछ, सिर्फ वो कसाई सन कसाई थी ना, इसलिए वो मुझे दादागिरी दिखाती, लेकिन मैं उसको भी पछाड़ कर उसके ऊपर बैठ जाती थी, उसको अच्छा मारती थी, धोती थी। फिर उसका अब्बा आते थे, मेरे अब्बा को बोलते थे, मेरे अब्बा मेरी पिटाई करते थे, तो फिर दूसरी बार जाके उसको और मारती थी मैं कि तूने शिकायत की ना, हाँ तूने शिकायत की ना तो मैं तेरे को और मारूंगा, क्या करती है कर ले, ज़्यादा में ज़्यादा मेरे अब्बा क्या करेंगे, मुझे मारेंगे ना, हाँ मगर मैं तेरे को बतला लूँगा, मेरे अब्बा 4 मारे मैं तुझे 8 मारूंगा, ऐसे करके लड़ती थी। उसके बाद ऐसे ही टैक्सी के बोनट पर चढ़ जाती थी ऊपर, और जब मारती थी हाथ घड़ी खड़ी रहती थी, तो यहाँ बैठ खड़ी रहूँ तो यूँ जाए, यहाँ खड़ी रहूँ तो यूँ जाए, उनके डंडे टूट जाएँ मार खा खा के ज़मीन की, तो वो लोग शिकायत करते, तब भी मेरे पिताजी मुझे बहुत अच्छी तरह से मेरी धुलाई करते थे, मगर वो मुझे आदत हो गई थी कि क्या ज़्यादा में ज़्यादा 2-4 डंडे पड़ते या 2-4 हाथ पड़ते हैं, वो ढीट हो जाते ना बच्चे, वैसी ढीट हो चुकी थी मैं, मार से मुझे अब डर नहीं लगता था, खौफ उड़ गया था मार का। इस तरीके से करते करते मैं बड़ी होती गई, करते करते फिर मैं टैक्सी के ऊपर चढ़ने लगी, बोनट से ऊपर, वहाँ से जम देने लगी, फिर फाउंटनों पे चढ़ने लगी, फ्लोरा फाउंटन पे बीच में एक फाउंटन है, उस पर चढ़ती थी, बेलाइट फेयर पे एक फाउंटन है, कहीं भी जाएँ कि पिताजी के साथ, पिताजी कुछ काम में लगे कि मैं उसके ऊपर चढ़ के जम मार देती थी, यही सब करती रहती, लोग देखते थे। फिर बुरा वक्त आया तो उसका बेनिफिट भी हुआ, वो सब करके कुछ पैसा भी कमाया ताकि घर चल सके, लेकिन उस ज़माने के लोग 4 आना भी मुश्किल से निकालते थे, क्योंकि उसकी भी बहुत कीमत थी। आज तो 4 आना क्या, आप 100 रुपये बच्चे के हाथ में दोगे तो कहेगा कि इससे क्या आएगा, मगर उस वक्त कीमत बहुत थी, कोई 5 पैसे, कोई 10 पैसे, कोई 4 आना ऐसे डालते थे। तो अजीम अंकल भी देखे थे मुझे, मैं थोड़ी बड़ी हो गई तब, तो हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि तुम करोगी, तुम में हिम्मत है, तुम में डेरिंग है, तुम कर सकती हो, तुम पैसा कमा सकती हो, तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हो, यानी फैमिली का अच्छा मतलब कर सकती हो, अच्छा सोच सकती हो, बच्चों भाई बहनों को पढ़ा सकती हो। तो मुझे तो दिल में उसी वक्त दिमाग में आया कि ये बचपन में चावल बेचने जाते थे, ब्लैक में बिकते थे, तो स्मगलिंग करते थे, गवर्नमेंट चावल बंद रखी थी, राशनों की दुकान पे नहीं मिलता था, तो तलोजा और ट्रॉम्बे यहाँ से ले आते थे, चोरी छुपे पुलिस की मार भी खाते थे, लाकर घरों में जाकर बेचते थे। ये सब तकलीफ़ों से बहुत, कभी खाने को नहीं रहा तो पानी पी के भी सोए हैं हम भाई बहन, वो सब देख देख कर मुझे ये था कि कब ऊपर वाला हमारी सबर का सब इम्तिहान ले रहा है, कब ये सबर का ये मतलब रिजल्ट देगा, सिर्फ सोचते थे, मैं इतना नहीं सोचा था कि इतना बड़ा रिजल्ट दे देगा ऊपर वाला। फिर इस तरीके से उन्होंने मुझे ऑफर दी, तो मैंने तो हाँ कहा, लेकिन मेरे अब्बा नहीं मानने को तैयार थे, लड़की की कमाई नहीं खाने का, ये वो लोग क्या कहेंगे, फिल्मों में अच्छे लोग नहीं जाते हैं, गलत लोग जाते हैं वगैरह सब। अब उस वक्त तो गलत और अच्छा मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमने गलत चीज़ों की तरफ देखा ही नहीं था, और गलत किसको कहते पता नहीं था, लेकिन अब उनसे वो जब कहते थे तो उसमें समझ में आया कि गलत भी होता है अच्छा भी होता है, लेकिन होगा उस वक्त इतना ध्यान नहीं, मेरी नज़र में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैं कुछ करूँगी, अगर मैं पैसा अच्छा कमाई तो मेरे भाई बहनों का फ्यूचर बनेगा, उसी ख्याल से मैं ज़िद करने लगी। नहीं माने, फिर मेरी मम्मी को बहुत समझाया, और मम्मी के साथ
मैं गई अजीम अंकल के उधर मिलने करने, वहाँ एक लड़का शूट कर रहा था, डुप्लीकेट कर रहा था लक्ष्मी छाया जी का, तो वो शॉट नहीं दे पा रहा था, बार बार वो आकर वो रुक जाता था, अभी ये हुआ अभी वो हुआ कर कर वो शॉट नहीं दे पा रहा था, जो हमेशा लड़कियों का करता था डुप्लीकेट। मैं कितना भी हो, लड़की की बॉडी बॉडी लैंग्वेज जो होती है लड़कों से अलग ही होती है, पता तो चल ही जाता है कि ये लड़का है, मगर वहाँ अचानक मेरी मम्मी के साथ मैं चली गई तो वहाँ वो नहीं दे पा रहा था, तो अजीम अंकल ने बोला ये देगी तुम दोगे, मैं बोली हाँ। अब मैंने हाँ कहा, कभी नॉलेज तो था भी नहीं, मगर नसीब से ऐसा हुआ कि वो फर्स्ट शॉट ओके फर्स्ट हो टेक गया, ओके। फर्स्ट चेक ओके हो गया। ये सोलो फिल्म में थे? नहीं, ये नहीं, एक ये खिलाड़ी खिलाड़ी बावन बावन पर पत्ते, थी खिलाड़ी। हाँ, विनोद खन्ना और लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया जी का डुप्लीकेट किया था मैंने। और उसके बाद लोगों ने ताली बजाना शुरू की, तो उसमें हिम्मत और बढ़ गई कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मुझे कुछ करने की। मैं जरा लड़का टाइप बात किया करती थी काफ़ी टाइम तक, बहुत बाद में मेरी लैंग्वेज ज़रा लड़कियों वाली हो गई, क्योंकि लोग कहने लगे यार तू लड़की है और तू पूरा लड़का टाइप बात करती है, इतनी खूबसूरत लड़की हो के लड़का टाइप बोलती तो सब तेरी खूबसूरती का मजाक खत्म। मजा मत लो, वो मत बोलो, इतना बोलो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है। मैं मुंह फटती सबको बोल देती थी, चुप नहीं रहती थी। खैर, इस तरीके से थोड़ा इंडस्ट्री में भी लोग परेशान तो करते हैं, लेकिन उनको जवाब देने की मुझ में ताकत थी, मैं वैसे अपने आप को हैंडल करते करते अभी तक चलाई हूँ। और अब तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो किसी को सवाल ही नहीं हिम्मत, क्योंकि पहले का खौफ अभी तक अभी तो आप जमा हीरोइन हुआ हो, है, तो आप जमा हुआ हीरोइन हो है। एकदम। वो मुझे बुलवा लेती थी अपनी ही वेनिटी में, अब मैं कैसे बोलती हूँ, खाती हूँ कैसे, पीती कैसे, वो डायरेक्ट पूछने का उसको ये नहीं था कि आप ऐसे क्या करती थी, वो इनडायरेक्ट मुझे बोलती थी कि आप बचपन में कैसी थी, आप जवान हुई तो कैसी थी। तो मैं अब वो डायरेक्ट ऐसे कि आप मुझे बताओ सिखाओ, तो वो भी गलत चीज़ होती है ना, मुझे बुरा लग गया कि अभी मैं इसको क्यों सिखाऊं। कोई ऐसे माइंड की होगी तो ऐसे बोलेगी, उसको दिल में ऐसा था कि मैं ऐसे बोलूंगी, तो आप बचपन में ऐसी ही थी क्या, तो मैं करके बताती हूँ मिरर के, ए देखो मैं ऐसा करती थी, तो वो उसको फॉलो करती थी। मुझे बाद में मेरी टुपलाई जली, ये बहुत आइडिया से मेरी एक्टिंग करने के लिए सीख रही है, हाँ, मुझे फॉलो करने के लिए बहुत आइडिया से कर रही है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पूछ रही है। वो सब तो और है, मेथड एक्टिंग वैक्टिंग। दूसरे को कॉपी करना बहुत मुश्किल बात मुश्किल होती है, बात जो होती इसने है। की मेहनत काफ़ी की है। ये साईं जी तो प्रोड्यूसर होकर डायरेक्शन में भी बहुत इंटरेस्ट रखती हैं, उन्होंने डायरेक्शन में भी बहुत साथ दिया, भागदौड़ उन्होंने की, उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। एक्चुअली तो हुआ क्या कि शूटिंग के दौरान हमारे डायरेक्टर के भी पैर टूट गए, तो हमारी जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर की राइट हैंड बन गई, क्योंकि मुझे कहीं ऊपर एकदम बहुत हाइट में चढ़ा दिया जाता था या आगे बीच भेज दिया जाता था, तो वहाँ साई यूज टू कम एंड गिव मी इंस्ट्रक्शंस। एंड विदिता जी, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, ढेरों सारे स्टंट सब कुछ करने के बाद? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी के एक्टिंग को कॉपी करना बहुत ही मुश्किल होता है, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? सॉरी कर, देखिए बहुत काफ़ी मुश्किल होता है बायोपिक में, इंडिया में तो ठीक से बायोपिक लोग बनाते ही नहीं है, बनाते फिक्शन ही नहीं। डाल देते हैं, बहुत ड्रामेटाइज कर देते हैं, पर हमने वैसा किया नहीं, जितना हो सके हमने रियल रखे, और इनके जो रियल जो डायलॉग्स हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, हमने वही रिटेन किए। और एज एन एक्टर भी मैंने जितना हो सके इनके इनके तरह ही चलने का, बात करने का मैंने कोशिश किया है। और रही बात स्टंट्स की, जो इजी स्टंट्स हैं वो मैंने किए हैं, क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं स्टंट वूमन नहीं हूँ, तो उसके लिए एकदम बचपन से प्रिपेयर करना पड़ता है कि मुझे मैंने स्टंट्स के लिए लेसन लिए हैं, आई कैन डू सम मतलब स्टंट्स मैं कर सकती हूँ, कर मार्शल सकते आर्ट्स हो? में मैं हाँ, ट्रेंड हूँ, पर बहुत डिफिकल्ट स्टंट्स मैं नहीं कर सकती। तो मेरे लिए भी एक लड़की थी जिसने कुछ स्टंट्स किए, और दो लड़के भी थे, एक लड़के ने वो टैक्सी के ऊपर सारे जंप्स मारे, और घोड़े का जो टांगा वाला सीन था उसमें भी एक जो टांगा रियल टांगा वाला है उसने वो सीन किए, बट मोस्टली मैंने ही जो किए लॉन्ग शॉट्स थे वो लॉन्ग उसने शॉट्स है। दिए। शॉर्ट डिस्टेंस में टांगा भगाना आसान है, क्योंकि घोड़े भी बहुत ट्रेंड उस होते वक्त हैं, वो समझ एक्शन जाते पे ही हैं। समझ जाते हैं कि हमको भगाना है, तो वो हाँ, मारो तो तो दौड़ लेते हैं, लेकिन लॉन्ग शॉट में वो घोड़े हाँ, वाले को, घोड़े वाले क्योंकि रियल और घोड़े कोई वाले, लड़की नहीं है ना। एक रेशमा जी भी मैंने जा कहा, सकती थी। और मैंने कहा साईं जी को कि मैं करती हूँ डुप्लीकेट, तो बोले दोनों तुम यहाँ हीरोइन हो, पे तुम हीरोज कैसे कर हैं, अब सकती हीरो यहाँ हो, स्टंट करेगी तो बोले तुम क्यों स्टंट करोगी। ये प्रॉब्लम आ रही थी,
नहीं तो मैं भगाती, मगर ठीक है, उन्होंने भी मुझे जो रुतबा दिया है वो मैं भूलना नहीं पाऊंगी, कि मुझे उन्होंने एहसास दिलाया कि मैं एक हीरोइन हूँ। पहले मैं गुमनाम थी, आज उन्होंने मुझे नाम दिया है, यहाँ तक कि सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मिला। ये जो टांगा पलट जाता है वो ऐसा शॉट नहीं था, एक व्हील टूटता है फिर दूसरा टूट कर थोड़ा घसीट इन्होंने के जाके इम्प्रोवाइज किया, रुक घसीट के जाता जाता है। हाँ। एक्सीडेंट को इन्होंने इम्प्रोवाइज किया। मगर वो एक्सीडेंटली जब हुआ और उसके बाद मुझे टाके आए वगैरह, मतलब बहुत कष्ट था, बहुत पेन था, इतने बहुत टाके आए थे वगैरह, जहाँ टांगा, तक पूरे टांगा इन पे पलटी हो गई। पलटी हो गया था। तो ऐसे में कोई शॉट दे तो ये बहुत मुश्किल बात होती है, बट इन्होंने लेकिन शूट रुकने नहीं दिया, मैं शूट शूट कंटिन्यू रुकने किया। नहीं दी क्योंकि और कोई थी नहीं करने को, और मेरी सिस्टर की मैरिज भी थी तो मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी। मतलब दो चीज़ के मैंने चाहा कि प्रोड्यूसर का नुकसान भी ना हो और मेरा मैं भी अपनी भला फैमिली हो भी जाए ना और रुके। मेरी बहन की शादी हो जाए, क्योंकि जब मुझे पैसा मिलेगा तो बहन की शादी करूंगी, नहीं तो कैसे कर सकती थी।